जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय। आप सभी को पता है हमारे शंकराचार्य भगवान अभी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अन्य अन्य प्रदेश में जाकर आंदोलन कर रहे हैं और गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापित कर रहे हैं, किंतु कुछ जगह पर उनको नहीं घुसने दिया, जैसे कि मेघालय, नागालैंड। तब आपको बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि बीजेपी लगातार गौ माता के नाम पर वोट लेती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, किंतु मेघालय में उल्टा है, वहां पर यही लोग हमारे विरोधी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर यह चीजें आम हैं, गौ माता के साथ गलत होता है और गौ माता को क्या कहें वह कह नहीं सकते। किंतु इसकी शुरुआत शिवाजी महाराज की धरती से हो चुकी है। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं या फिर कमेंट करेंगे कि भाई एक चीज बताओ कि हम गौ माता किसको माने, देसी गौ माता को जो यहाँ की नस्ल है, या फिर विदेशियों को भी गौ माता कहा जाता है सनातन धर्म में। आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट तरीके से कि देसी गौ माता और देसी बैल सिर्फ वही सनातन धर्म में पूजनीय है, बाकी के जो बाहर से आए हुए हैं, जर्सी वगैरह, ये सब पशु की श्रेणी में आते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने देसी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, ना कि सभी गाय कही जाने वाली पशुओं को। तो इसका डिफरेंस समझिए और यह आप खुद स्टडी करके गूगल पे सर्च करिए या कहीं से भी करिए, कर लीजिए कि देसी गौ माता और विदेशी गौ माता में क्या फर्क है। वो पशु की श्रेणी में आती है और जो देसी गौ माता है वह हमारे लिए पूजनीय है। उसमें कहा जाता है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, और कुछ लोग यह बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा कुछ नहीं भाई, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इस बात को दिमाग में डालना कि 33 कोटि देवताओं को करोड़ नहीं बोला जाता, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। एवं जो आंदोलन लगातार रामलीला मैदान में हुआ था, वहां पर भी हिंदू एकता समूह गया था, और लगातार हम लोग भी गौ माता राष्ट्र माता के लिए आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि अगर आप सनातनी हैं, अगर आप सनातन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहले हमारी गौ माता का संरक्षण करिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब भी गाय का दूध ही काम आता है, भैंस का नहीं। जब कोई प्रतिष्ठा होती है तब भी देसी गौ माता का दूध काम आता है, भैंस का नहीं। जब किसी का अभिषेक किया जाता है, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, या किसी प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, तब भी गौ माता का दूध जरूरी है। तो जब देसी गौ माता नहीं रहेगी इस देश में, तो यह चीजें कहां से होंगी? तो गौ माता को पूरे देश में राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हमारे मंदिर है इनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करिए, जिससे प्रत्येक मंदिर हर जिले में एक ऐसा गुरुकुल खोल सके जहां पर निःशुल्क तरीके से गरीब सनातनियों के बच्चे पढ़ सकें और अमीर पैसे देकर पढ़ सकें, और उनको बाकायदा वैदिक ज्ञान हो, जिससे गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो पेड़ों पर में आके सनातन धर्म ना छोड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। जय श्री राम, जय गौ माता।